खरगोन शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत वृहद पोषण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी रचना शर्मा, CHMO डॉक्टर संजय भट्ट, सुरेश प्रकाश जोशी सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी महकमा मौजूद था। लिहाजा पोषण सभा को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि बच्चों के कुपोषण और एनीमिया से लड़ने के लिए विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पौष्टिक व्यंजन बनाकर प्रतियोगिता भी शामिल है। महिला बाल विकास ने यह भी बताया कि देश से कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए ग्रामीण स्तर तक ग्राम सभाओं के माध्यम से पहुंचेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ही पोषण माह चलाया जा रहा है, उसके तहत आज जिला स्तर पर एक बृहद पोषण सभा का आयोजन किया गया है। इस पोषण सभा में हम सारी महिलाओं को बुलाकर हम कैसे पोषण से, सही पोषण से पूरा देश रोशन किया जा सकता है, इस थीम को लेकर हमने पोषण सभा का आयोजन किया गया है। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स के लोग कन्वर्जेंस के माध्यम से हम किस प्रकार से कुपोषण को और एनीमिया को दूर कर पाएंगे, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें पौष्टिक थाली, जिसे हम तिरंगा थाली कहते हैं, उस तिरंगा थाली का प्रदर्शन किया गया है। घर में उपलब्ध जो चीजें हैं हमारे घर में, उसी से हम सही पोषण लेकर हमारी जितनी भी कुपोषित है और एनीमिया से पीड़ित महिलाएं, उनको हम दूर कर सकते हैं। हर व्यक्ति बादाम, काजू या ऐसी पौष्टिक चीजें नहीं खा सकता, लेकिन हम रोज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा लेकर हम किस प्रकार से हमारा पोषण स्तर सुधारा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श भी किया गया। और सारी योजनाएं वो एक एक आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से अंतिम छोर, मतलब गर्भवती और धात्री माताओं तक पहुंचाने का काम हम पूरे महीने काम करेंगे। इसमें क्या क्या कार्यक्रम? इसमें हम एक तो ग्राम सभाएं हो रही है, ग्राम सभाओं के माध्यम से हम सभी गर्भवती धात्री माता किशोरी बालिकाओं को बुलाकर हम लोग सारे लोग उसको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम रैली का आयोजन कर रहे हैं, किशोरी बालिकाओं को हम वो कर रहे हैं, इसके साथ हम गर्भवती धात्री माताओं को भी बुला रहे हैं, और इन सबको बुलाकर हम सारी चीजें ये बता रहे हैं कि आपके घर में जो पोषण है उसी के माध्यम से आप किस प्रकार से अपना कुपोषण दूर कर पाएंगी, एनीमिया से बच पाएंगी, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और हर घर में पोषण थाली बनाकर हर घर पोषण देश रोशन के नाम से हम लोग और उत्साह के रूप में उत्सव के रूप में ये पोषण माह मनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गणपति